फ्यूल के आज इस फिफ्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। सो लेट्स स्टार्ट अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। अल्टीमेट एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंटल एनालिसिस बिकॉज एग्जैक्ट डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड सल्फर इज कैरीड आउट अंडर दिस प्रोसेस। क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर जितने भी एलिमेंट्स कोल सैंपल में प्रेजेंट हैं उनका परसेंट बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है, एग्जैक्ट डिटरमिनेशन किया जाता है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंटल एनालिसिस। सो वी विल डिस्कस अबाउट डिटरमिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज नाइट्रोजन परसेंटेज सल्फर परसेंटेज एंड ऑक्सीजन परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिटरमिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के डिटरमिनेशन में एक कंबस्टन ट्यूब में कोल के नोन अमाउंट को बर्न किया जाता है। कोल में कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। कार्बन बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन बर्न होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। इस कंबस्टन ट्यूब से अटैच्ड है यू ट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस नोन अमाउंट रखा हुआ है और दूसरे ट्यूब में रखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन नोन अमाउंट, पहले से वेट कर लेकर के इसका रख लिया गया है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अब्जॉर्ब हो जाती है जिससे इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का वेट इंक्रीज हो जाता है। जितना वेट इंक्रीज होगा उतनी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और जितना हाइड्रोजन से वाटर वेपर बनता है वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू द वाटर वेपर फॉर्म्ड करस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कोल सैंपल। अबाउट 1 to 2 grams ऑफ एक्यूरेटली वेट कोल सैंपल इज बर्न इन अ करंट ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंबस्टन एपरेटस। कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ द कोल आर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। द गैशियस प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन आर एब्जॉर्ब्ड रिस्पेक्टिवली इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब्स ऑफ नोन वेट्स। द इंक्रीज इन वेट्स ऑफ दीज आर देन डिटरमिंड। इस तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अब्जॉर्ब होता है तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कितना हुआ ये पता चल जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का वेट इंक्रीज हो जाता है इससे पता चल जाता है कि वाटर का वेट कितना था। सिंपल फॉर्मूला एंड रिएक्शन की हाइड्रोजन दो मोल हाइड्रोजन एटम अगर रिएक्शन करता है हाफ मोल ऑक्सीजन से तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। सो 2 grams ऑफ हाइड्रोजन से 18 grams वाटर बनता है और कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस है जब वाटर वेपर को अब्जॉर्ब करता है तो हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो कैलकुलेशन इज 18 grams वाटर इज फॉर्म्ड बाय 2 grams हाइड्रोजन। x ग्राम H2O जितना वेट इंक्रीज हुआ था कैल्शियम क्लोराइड का दैट अमाउंट इज एक्स ग्राम। सो एक्स ग्राम एच टू ओ बाई एक्स इन टू 2/18 grams हाइड्रोजन। एक्स ग्राम वाटर कितने से बनेगा एक्स इन टू 2/18। अब ये जो अमाउंट एक्स इन टू 2/18 grams हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कितने में है डब्ल्यू ग्राम कोल बर्न करने पर ये बना था इसलिए डब्ल्यू ग्राम कोल कंटेंस हाइड्रोजन इज इक्वल टू एक्स इन टू 2/18। देयरफॉर 100 grams परसेंटेज में कैलकुलेट करना है 100 grams कोल कंटेंस हाइड्रोजन इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 × 100/18 इंटू डब्ल्यू। ये एक फॉर्मूला बन गया। देयरफॉर हाइड्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब एक्स इंटू 2 mass ऑफ हाइड्रोजन इंटू 100/weight ऑफ कोल सैंपल टेकन डब्ल्यू इंटू 18 इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर। एक सिंपल फार्मूले की मदद से हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट की जा सकती है अगर पोल का वेट दिया हो और वाटर वेपर कितना बना उसका अमाउंट दिया हुआ हो तो हाइड्रोजन परसेंटेज निकल जाएगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है 12 grams कार्बन बर्न होती है जब तो 44 grams कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन क्या होता है जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो पोटेशियम कार्बोनेट और H2O बनता है। इस रिएक्शन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में लिया गया था उसका वेट बढ़ जाता है
जितना इंक्रीज इन वेट होता है वो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड के वेट के बराबर होता है, और सपोज़ कीजिए कि वाई ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म पे, क्योंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड बाय 12 ग्राम कार्बन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन से बनती है। सो इफ़ वाई ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इट इज़ बाई वाई इंटू 12 अपॉन 44 ग्राम कार्बन, वाई ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन कितना होगा y इंटू 12 अपॉन 44। ये इतनी जो कार्बन प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है w ग्राम में, क्योंकि w ग्राम के बर्न करने पे ही y ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो w ग्राम कोल कंटेंस कार्बन इज इक्वल टू y इंटू 12 अपॉन 44, देयर फॉर 100 ग्राम परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, 100 ग्राम कोल कंटेंस कार्बन इज इक्वल टू y इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 44 इंटू w, वेयर w इज द वेट ऑफ कोल। इस आधार पे कार्बन की परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया, इंक्रीज इन वेट ऑफ के ओ एच क्यूब दैट इज वाई ग्राम इंटू 12 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कोल सैम्पल टेकन w इंटू 44। इस तरह से कार्बन की परसेंटेज के लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर कोल का वेट पता हो और कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ तो कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। नाइट्रोजन परसेंटेज, नाइट्रोजन परसेंटेज का कैलकुलेशन जेलडाल मेथड से किया जाता है। इसके अंदर कोल के नोन अमाउंट को, करीब 1 ग्राम कोल को एक जेलडाल फ्लास्क में H2SO4 और K2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। जब H2SO4 और K2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो जितना भी नाइट्रोजन कोल में प्रेजेंट है वो सभी अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। About 1 gram of accurately weighed powdered coal is heated with concentrated H2SO4 along with K2SO4 catalyst in a long necked flask called as Jeldahl flask. After the solution becomes clear, it is treated with excess of KOH and the liberated ammonia is distilled over and absorbed in a known volume of standard acid solution. अब जो अमोनियम साल्ट बन गया था उस अमोनियम सल्फेट को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और उस अमोनिया को एक नॉन स्टैंडर्ड एसिड के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करा दिया जाता है। जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बेस होता है, कुछ एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और कुछ एसिड बचा रह जाता है। जो बचा रह जाता है एसिड, द अनयूज्ड एसिड इज देन डिटरमिंड बाय बैक टाइट्रेशन एंड स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन। तो जितना एसिड न्यूट्रलाइज होने के बाद बचा रह गया उस एसिड का डिटरमिनेशन कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से या टाइट्रेशन करके। फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया लिबरेटेड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कोल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इस प्रकार कितना एसिड खर्च हुआ नाइट्रोजन से बने हुए अमोनिया को न्यूट्रल करने में, उस एसिड का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का जिस्ट यह है कि कोल में जितना नाइट्रोजन था पहले K2SO4 H2SO4 से रिएक्शन करा के उसके अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट किया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा करके अमोनिया गैस बनी। उस अमोनिया गैस को जो कि बेसिक है एक स्टैंडर्ड एसिड के नॉन सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कराया गया, जिससे एसिड का कुछ पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया, बचा हुआ पार्ट बैक टाइट्रेशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से डिटरमिन कर लिया कि कितना एसिड बचा रह गया। जब उसको टोटल एसिड में से माइनस करेंगे तो अमोनिया से न्यूट्रलाइज हुए एसिड का वॉल्यूम पता चल जाएगा। जब एसिड का वॉल्यूम मालूम हो जाएगा then we can calculate the percent nitrogen by this formula, volume of acid used into normality of the standard acid into 1.4 upon weight of the coal taken। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, इसको याद कर लेंगे, इसे जेलडाल फार्मूला कहते हैं। ये जेलडाल एपरेटस है, लॉन्ग नेक फ्लास्क जिसे जेलडाल फ्लास्क कहते हैं, कोल ले लेते हैं H2SO4 K2SO4 CuSO4 के साथ पहले इसको हीट किया जाता है जहाँ ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। जब ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है तब उसकी अमोनिया को एसिड में पास किया जाता है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ सल्फर परसेंटेज,
Sulfur is determined from the washing obtained from the known mass of coal used in bomb calorimeter for determination of calorific value. During the determination, sulfur is converted into sulfate. The washings are treated with barium chloride solution. When barium sulfate is precipitated, this precipitate is filtered, washed and heated to the constant rate. तो सल्फर का डिटर्मिनेशन करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर पिछले करंट पे हम लोगों ने पढ़ा था. बॉम्ब कैलोरीमीटर में कॉपर को कार्बन को जो बर्न करते हैं कोयले को, तो इसमें जितना सल्फर होता है वो सभी सल्फर सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. उस वॉशिंग को ले लेते हैं और सल्फेट को जब बेरियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट्स को जब बेरियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है. तो बेरियम सल्फेट में सल्फर का कितना अमाउंट है इसका कैलकुलेशन करते हैं. बेरियम सल्फेट का मॉलिकुलर वेट है 233 और सल्फर का एटॉमिक मास है 32, यानी 233 ग्राम बेरियम सल्फेट कंटेन्स 32 ग्राम सल्फर. अगर सपोज कीजिए कि टोटल बेरियम सल्फेट जेड ग्राम बना हुआ है, तो जेड ग्राम बेरियम सल्फेट कंटेन्स सल्फर इज इक्वल टू जेड इंटू 32/233. क्योंकि इतना बेरियम सल्फेट जो जेड ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर है, ये इतना सल्फर कितने में मौजूद है, वो डब्लू ग्राम कोल के करस्पॉन्डिंग है. तो डब्लू ग्राम कोल कंटेन्स सल्फर इज इक्वल टू जेड इंटू 32/233 या 400. तो 100 में कैलकुलेट कर लेंगे, 100 ग्राम कोल कंटेंस सल्फर इज इक्वल टू जेड इंटू 32/100/W/233. डब्लू कोल का मास है और जेड जितना भी बेरियम सल्फेट बना था वो है. इस तरह से फॉर्मूला बन गया, परसेंट सल्फर इज इक्वल टू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट ऑब्टेंड जेड इंटू 32/100 divided by weight of coal sample taken into 233. ये फॉर्मूला बन गया, इससे परसेंट सल्फर का कैलकुलेशन हो जाएगा. नाउ ऐश कंटेंट. कोल को कंप्लीट बर्न करने के बाद जो नॉन कंबस्टेबल मटेरियल बचता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में इसका डिटर्मिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस फॉर्मूले से उस प्रोसेस से ऐश का डिटर्मिनेशन कर लिया जाएगा और जितना ऐश कंटेंट निकल आएगा परसेंटेज में उसकी वैल्यू नोट कर लेंगे. और जब कार्बन हाइड्रोजन सल्फर और ऐश कंटेंट का कैलकुलेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन की भी परसेंटेज पता चल जाएगी, तब ऑक्सीजन की परसेंटेज इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है. परसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऐश. यानी जितने एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन सल्फर और नाइट्रोजन थे प्लस ऐश थे, इनकी परसेंटेज को 100 में से माइनस कर दें तो ऑक्सीजन की परसेंटेज पता चल जाएगी. तो इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ऐश कंटेंट और ऑक्सीजन की परसेंटेज का डिटर्मिनेशन किया जाता है अल्टीमेट एनालिसिस या एलिमेंट एनालिसिस में. थैंक यू.